अगर सरकार साधु शैया से प्यार है तो भगवान पूरा मजमा बोले बस्ती बस्ती करिया करिया साधु शरिया ऐसे नहीं जो हाथ जब उठाए भक्त से बोल रहे बस्ती बस्ती करिया करिया बस्ती बस्ती करिया करिया कल भी थे और आज भी है मोतबर रखकर रदा सुन्नियों का बोलता है घर का घर रखकर रदा कल भी थे और आज भी है मोतबर रखकर रदा सुन्नियों का बोलता है घर का घर रखकर रदा अरे दिल के उलमा ने दिया साधु शरिया का खिताब दौरे हाजिर में है मेरे ताजवर रखकर रदा क्यों ना हक को हक कहे बातिल को बातिल ही कहे क्यों ना हक को हक कहे बातिल को बातिल ही कहे बेशुमा है आला हजरत की नजर कर रहा बेशुमा है आला हजरत की नजर कर रहा हजरत देख रहे हैं कि मिंबरे नूर पर वो अजीम खतीब जो फैजानी सरकारी साधु शरिया लेके इस वक्त पूरे भारत में सिक्के राजा वक्त की तरह चल रहा है मेरी मुराद शहनशाह खिताबत हाफिज़े मसलक के आला हजरत खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब की बिला मदद अल्लाह नूरानी जो मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा है और जिनके रुखे ताबा की जियारत से हम सभी हजरात अपने कुलूब को मनोगुरु मुजल्ला फरमा रहे हैं बस मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल अदब के साथ आप सभी हजरात तशरीफ रख रहे सगरे जलसा के हुक्म के मुताबिक मैं हुजूर वाला को आप हजरात के हवाले पेश करने की कोशिश करना चाहता हूँ बस गुजारिश ये है जब भी आप हजरात के कलेजे तक कोई बात छू जाए तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर की सलावत से आपको भी हजरात जरूर नवाजते रहे सरकार आका इमाम अली मुकाम से प्यार है तो दोनों हाथों को फिजाओं में लहराए जाए एक बार बोल दे या हुसैन ऐसे ही जनाब है कि बोले या हुसैन कलेजे में दम है तो दम लगा के बोले या हुसैन सारे फूलों में कोई कैसे गुलाब अच्छा है सारे मैं तो समझ रहा था कि इस इलाके में नकली को कोई इनाम नहीं दिया जाता है भाई शायद को तो इनाम हर कोई देता है खतीब को इनाम वो देता है जो अकल वाला होता है और नकीब को इनाम वो देता है जो सबसे ज्यादा अकल वाला होता है तकरीबन 15-20 साल के बाद आप इस इलाके में हजरत हफीज़ुल्लाह अकरम रज़ा साहब के मिला और खैरानी रोड मदीना मस्जिद हजरत ये बाबा को मोमिनत तशरीफ फरमाए इनके हुक्म के मुताबिक मैं आपके हवाले पेश हुआ अल्लाह ताला आप सभी हजरात को सलामत रखे बस ये तो चंद जुमले मैंने कह दिया अपने हफराने के लिए बिल्कुल मुतमईन अंदाज में आप हजरात बैठे और एक अजीम खतीब के पाकीदा खिताब को आप सुने मेरा दावा है कि जब हजरत का बयान शुरू हो जाए तो इंशाअल्लाह कोई उठ के नहीं जाएगा उठेगा क्यों हजरत जब बयान करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हजरत बयान नहीं करते बल्कि ये पिला रहे हैं ये करम है फैजाने ये करम है हुजूर सरकारी साधु शरिया का जो फैजाने सरकार साधु शरिया लेके इस वक्त पूरे भारत में अभी हमारे बलरामपुर शहर में तकरीबन हजरत की कई तकरीरें अल्हम्दुलिल्लाह हुआ हुई बहुत ही अच्छा कामयाब हुई अल्हम्दुलिल्लाह फाटे मारता हुआ मजमा हुजूर सईद अहमद रजा साहब की क़यादत में हुजरत बयान किए अल्हम्दुलिल्लाह जो काबिले तारीफ है गुजारिश ये है कि बिल्कुल अदब के साथ तशरीफ रखें एक हाथ सरकार आला हजरत के नाम उठाइए दूसरा हाथ सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के नाम उठाए अपने अजीम मेहमान का इस कदर नारे का जवाब दे कि यकीनन हजरत को यकीन हो जाए कि जितने भी दीवाने बैठे हैं ये सोने के मूड में नहीं तकरीर सुनने के मूड में है नारे वही तो साथ जामे कादरी ले जाएगा और आ रही है मुफ्ती आजम की कुर्बत से सदा अब तुम्हें मंदिर की जाने अधरी ले जाएगा अरे थाम लो अहमद रजा का मतलब के हर थाम लो ताकि जन्नत में तुम्हें मतलब यही ले जाएगा और मतलब के अहमद रजा है बड़ा
है जन्नत दोस्तों, बस इसी मसलक पे तय भाषण भी ले जाए।